चौंसार बाबर के खत कोरू अंतर्गत पड़ने वाले पोंचाई डंडे के लोगों की वर्षों से सड़क बनाने की मांग अब पूरी होती दिख रही है। वीरवार को इस सड़क का कार्य शुरू होने की सूचना के बाद ग्रामीणों द्वारा मुख्य सड़क पर पहुंचकर सड़क निर्माण में लगी जेसीबी मशीन का स्वागत किया गया। चकराता ब्लॉक के राजा क्षेत्र गोरछा गांव में आग लगने से एक कच्चा मकान जलकर राख हो गया। घर में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। गनीमत रही कि मकान में रहने वाले लोग खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। राजस्व पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। हरिपुर कालसी स्थित माँ यमुना के तट पर क्षेत्र की बहनें और माताएं प्रतिदिन स्नान को आती हैं, जहां उनके सामने गीले वस्त्रों को बदलने की समस्या हमेशा सामने आती रही है। इसी समस्या को देखते हुए हरिपुर यमुना तट पर चेंजिंग रूम व स्नानागार बनवाया जा रहा है। वीरवार को जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ कार्य की प्रगति का जायजा लिया। थाना सेलाकुई के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा फोंटा रोड आम के बगीचे से एक वांछित सहारनपुर जिले के रहने वाले पशु चोर राकिब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को धारा 379, 411, 201 IPC पशु चोरी व थाना सैंसपुर में दर्ज 380, 411, 201 IPC पशु चोरी के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया एवं किराएदार का सत्यापन न कराने पर मकान मालिक आमिर निवासी जमनपुर का भी चालान पुलिस एक्ट किया गया। ग्राम जीवनगढ़ में निवास करने वाले कई गरीब लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्ड न होने की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। ग्रामीणों की इस समस्या को देखते हुए ग्राम प्रधान सारा सोहेल पाशा द्वारा एक कैंप लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड बनवाने का कार्य किया गया, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को उपलब्ध हो सके। दरअसल ये बहुत अच्छी ही पहल है भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने आयुष्मान योजना चलाई थी, बहुत सारे लाभार्थी हुए हैं इस आयुष्मान योजना से। अब बहुत हमारी ग्राम सभा में ऐसे लोग भी हैं जिनका नहीं बन पाया है उस टाइम पे। अब हमने अपने प्रयासों से ये कैंप लगाया है कि जो बच गए हैं वो बंदे जो जिनका नहीं बन पाया उनका बन जाए। हम इसी प्रयास में रहे हमेशा अपनी ग्राम सभा में कि सभी हमारी ग्राम सभा में ये लाभ उठा सकें। आयुष्मान का है और भी बहुत सारे स्मार्ट कार्ड हैं, ये सब कार्ड हैं, हम लगवाते रहते हैं लैंप कैंप के, ये सब लाभार्थी हो सके। शिव मंदिर ढालीपुर में रियान फाउंडेशन द्वारा फाउंडेशन की ओर से एक निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्कूल के बच्चों के दांतों की जांच फाउंडेशन के कमाल अहमद के साथ आए डॉक्टर महेंद्र व डॉक्टर इकबाल अहमद द्वारा की गई। शिविर में आए लोगों के दांतों की जांच करने के बाद उन्हें मुफ्त दवा भी वितरित की गई। केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून को लागू करने के बाद भी कोतवाली विकास नगर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस द्वारा पत्नी की तहरीर के आधार पर मूल रूप से कोट बिहार पश्चिम बंगाल निवासी शाह जलाल शेख पुत्र समद निवासी DMS कॉलेज शंकरपुर सहसपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ 498A 323 504 IPC व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना सहसपुर पुलिस द्वारा गोकशी के दो मामलों में माननीय न्यायालय से जारी वारंट में बातचीत चल रहे अभियुक्त आमिर पुत्र दिलबहार निवासी कुरैशी मोहल्ला खुशालपुर थाना सहसपुर को 85 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त आमिर के विरुद्ध थाना सहसपुर में धारा 8/20 NDPS एक्ट व माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास नगर में चल रहे गोकशी के दो मामलों में वारंट की तामील कराते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आप देख रहे थे उत्तराखंड का अपना न्यूज चैनल उत्तराखंड सनसनी। और अधिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।